Hello friends, I am Ratnakar. Today we will discuss about a topic called Remainder Theorem. तो Remainder Theorem exam के लिए बहुत important है. तो समझते हैं ये है क्या. So Remainder Theorem, जब भी हम लोग कोई division करते हैं तो there is something called divisor, there is something called dividend, there is something called quotient and there is something called remainder. ठीक है. तो suppose अगर आपको 24 को 5 से divide करना है तो we will write it like this. 5 divided by 24. तो division कैसे करेंगे? Division something ऐसे होगा. Division something ऐसा होगा देखने में. तो this 5 is the divisor. This 24 will be the dividend. This 4 will be the quotient. And this 4 will be the remainder part. Now what is remainder theorem? The remainder theorem is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend will be equal to divisor into quotient plus remainder. This is what we call remainder theorem. अब इसको हम लोग को प्रॉब्लम्स में अप्लाई कैसे करना है ये हम लोग एक एक प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम्स. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. तो पहला प्रॉब्लम है दैट इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 2. तो रिमाइंडर 2 है. तो क्या बोला है फर्स्ट प्रॉब्लम. एक नंबर है, अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है. इसको अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है. क्या पूछा है? इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर. ठीक है. तो इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, अगर इसी नंबर के स्क्वायर को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है? तो रिमाइंडर क्या आएगा? रूल इज जो काम हम नंबर के साथ कर रहे हैं वही काम मुझे रिमाइंडर के साथ करना है. तो हमने क्या किया, नंबर को स्क्वायर किया है, n था n स्क्वायर कर दिया. तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर को भी स्क्वायर कर देंगे, 2 को 2 स्क्वायर कर देंगे. तो रिमाइंडर विल बी 4. इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 it gives a remainder of 3. So एक नंबर है n, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आता है. If a number is divided by 5, it gives a remainder of 3. So if the square of the same number is divided by 5, तो इसी का square, if the square of the same number is divided by 5, then what will be the remainder? Rule क्या है? जो काम हम number के साथ कर रहे हैं वही काम मुझे रिमाइंडर के साथ करना है. मैंने नंबर स्क्वायर किया है इसलिए रिमाइंडर भी स्क्वायर करना होगा. तो रिमाइंडर 3 था, 3 का स्क्वायर 9. लेकिन 9 जो है वो डिवाइडर से ज़्यादा है. एक रिमाइंडर कभी डिवाइडर से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जिस केस में हमको रिमाइंडर डिवाइडर से ज़्यादा मिलेगा हम उसको फिर से डिवाइड कर देंगे उसी डिवाइडर से. इसको फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे. सो 9 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर विल बी 4 एंड 4 विल बी योर आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. Third question is, if a number is divided by 8, the remainder is 3. तो एक number है n, इसको अगर 8 से divide करे, तो remainder 3 आता है. अब बोला है, if the cube of the same number is divided by 8, then what will be the remainder? तो rule क्या है, जो काम number के साथ कर रहे हैं, वही काम मुझे remainder के साथ करना है. मैं नंबर क्यूब कर दिया है तो रिमाइंडर भी क्यूब हो जाएगा, 3 cube 27. लेकिन ये 27 तो 8 से ज़्यादा है, डिवाइडर से ज़्यादा है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 27 को फिर डिवाइडर से डिवाइड कर देंगे. 27 को फिर 8 से डिवाइड कर देंगे. सो 27 डिवाइडेड बाई 8 रिमाइंडर विल बी 3. क्वेश्चन नंबर फोर है दैट व्हेन टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाई 65. ठीक है. तो दो नंबर्स है मान लेते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 21 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 32 आएगा. ठीक है. सो व्हेन टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 65 द रिमाइंडर्स आर 21 एंड 32 रेस्पेक्टिवली. हमसे पूछा क्या है, पूछा है दैट व्हेन द सम ऑफ द टू नंबर्स,
When the sum of the two numbers is divided by 65, then what will be the new remainder? तो रूल क्या था, जो काम हम नंबर्स के साथ कर रहे हैं वही काम हमें रिमाइंडर के साथ करना है। तो नंबर्स को हमने ऐड किया, नंबर्स को हमने यहाँ पे ऐड किया, तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर्स को भी ऐड कर देंगे, रिमाइंडर्स को भी ऐड कर देंगे। तो रिमाइंडर होगा 21 प्लस 32, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, रिमाइंडर विल बी 53 एंड दिस विल बी योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दैट व्हेन टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33, ठीक है, तो दो नंबर्स क्या होगा, तो काम वही करना है, हम लोग जो काम नंबर्स के साथ कर रहे हैं वही काम मुझे रिमाइंडर्स के साथ करना है। हम लोगों ने नंबर्स को ऐड किया है तो हम लोग रिमाइंडर्स भी ऐड कर देंगे। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 21 प्लस 28, तो रिमाइंडर शुड बी 49, रिमाइंडर शुड बी 49। लेकिन 49 तो डिवाइजर से बड़ा है, 30 से बड़ा है, तो उसके से हम लोग क्या करते हैं, वी विल अगेन डिवाइड इट बाय द डिवाइजर। तो 49 को अगेन 30 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 16, रिमाइंडर विल बी 16। एक ये तरीका है, एक और काम हम लोग कर सकते हैं। 49 को रिमाइंडर मिला है, 49 को रिमाइंडर मिला है, अगर हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर मिल रहा है वो डिवाइजर से बड़ा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट द डिवाइजर फ्रॉम इट, मतलब जस्ट डिवाइजर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो 49 माइनस 33 रिमाइंडर विल बी अगेन 16, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उनमें से हम लोग कोई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दैट व्हेन थ्री नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 69, ठीक है, so now there are three numbers when they are separately divided by 69, when they are separately divided by 69, the remainders are 11, 21 and I think 22 respectively, ठीक है, when three numbers are separately divided by 69, the remainders are 11, 21 and 22 respectively। अब बोल रहा है दैट व्हेन सम ऑफ द थ्री नंबर्स, व्हेन सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 69, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। द रूल विल बी सेम, जो काम नंबर्स के साथ कर रहे हैं वही काम मुझे रिमाइंडर के साथ करना है, तो हम लोग रिमाइंडर्स भी ऐड कर देंगे। सो 11 प्लस 21 प्लस 22, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 5 प्लस 1 5, 54 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है a number when divided by a divisor leave remainder 22, ठीक है, तो यहाँ divisor बोला नहीं, तो यहाँ divisor बोला नहीं, क्या बोला है, एक number है when divided by a divisor leaves remainder 22, divisor क्या है यहाँ पे बोला नहीं, divisor यहाँ पे क्या है ये नहीं बोला है। उसके बाद बोल रहा है when twice of the same number is divided by the same divisor, तो इस number का दुगना, when twice of the same number is divided by the same divisor, divisor same, is divided by the same divisor, the remainder is 12, ठीक है, तो remainder यहाँ बोल रहा है 12, तो question क्या था, फिर समझते हैं, a number when divided by a divisor leaves remainder 22, 22 remainder आ रहा, when twice of the same number is divided by the same divisor, remainder is now 12, तो question हमसे पूछा है that find the divisor, divisor क्या था हम लोग को ये निकालना है, divisor क्या था हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं दैट हम लोग नंबर को डबल किए थे, तो रूल बोलता है कि हमको रिमाइंडर भी डबल करना था, तो रिमाइंडर आना चाहिए था 22 इंटू 2, 44 रिमाइंडर आना चाहिए था, लेकिन आ तो गया है 12, लेकिन आ तो गया है 12। ऐसा कब होता था, जब रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो, जब रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो, तो उस केस में क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या किए थे, जब रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा होता था तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइजर को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, और उसके बाद मेरा जो नया रिमाइंडर 12 था वो आ जाना चाहिए था। तो यहाँ से डिवाइजर क्या चला आएगा, 44 माइनस 12 32, 32 विल बी द डिवाइजर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर लीव्स रिमाइंडर 35, ठीक है, अभी समझ गए, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर लीव्स रिमाइंडर 35, लीव्स रिमाइंडर 35। अब बोल रहा है व्हेन थ्राइस ऑफ द सेम नंबर,
When thrice of the same number is divided by the same divisor, the remainder is now 40. Remainder of 40. Then they are again asking, what was the divisor? Find the divisor. You have to find again the divisor. ठीक है? तो rule क्या था? अगर हम number को 3 से multiply कर रहे हैं, अगर हम number का thrice कर रहे हैं, तो मुझे remainder भी thrice करना था. तो 35 into 3, 105 आना था. लेकिन आ गया 40. लेकिन आ गया 40 ऐसा कब होता है? जब डेफिनेटली ये रिमाइंडर डिवाइडर से बड़ा हुआ होगा तो उसके समय क्या करते थे हम लोग इसमें डिवाइडर सब्ट्रैक्ट करते थे और उसके बाद हम लोग का रिमाइंडर आता था तो 105 माइनस डिवाइडर शुड बी 40 सो डिवाइडर शुड बी 105 माइनस 40 65 डिवाइडर विल बी 65 सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 नाउ टू डिफरेंट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइडर ठीक है तो दो डिफरेंट नंबर्स दो डिफरेंट नंबर्स व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर डिवाइजर यहां भी नहीं बोला है लेकिन ये बोला है कि दोनों डिवाइजर सेम लेकिन ये बोल दिया है कि दोनों डिवाइजर सेम टू डिफरेंट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर द रिमाइंडर्स आर 11 एंड 21 रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर कितना है यहां 11 है यहां 21 रेस्पेक्टिवली अब बोला है व्हेन देयर सम वाज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर व्हेन देयर सम उनका सम इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर द रिमाइंडर इज 4 द रिमाइंडर इज 4 दे आर अगेन आस्किंग व्हाट वाज द डिवाइजर तो यहां हम लोग नंबर्स ऐड किए हैं जो नंबर्स ऐड किए हैं मतलब मुझे रिमाइंडर्स भी ऐड करना था तो एक्चुअली रिमाइंडर्स आना कितना चाहिए था 11 प्लस 21 रिमाइंडर आना चाहिए था 32 रिमाइंडर 32 आना चाहिए था लेकिन आ गया 4 ऐसा कब होता था जब जब रिमाइंडर डिवाइडर से बड़ा हो उसके समय क्या करते थे या तो इसको फिर से डिवाइडर से डिवाइड करते थे या तो डिवाइडर सबट्रैक्ट करते थे तो डिवाइडर सबट्रैक्ट कर देना चाहिए 32 में से डिवाइडर सबट्रैक्ट कर दें तो 4 आना चाहिए मतलब डिवाइडर कितना आएगा 32 माइनस 4 28 डिवाइडर विल बी 28 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी समझा जाए क्या बोला है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 56 द रिमाइंडर इज 29 तो एक नंबर है इसको अगर 56 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा था 29 तो रिमाइंडर आ रहा था 29 अब बोला है ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 8 अगर इसी नंबर को हम 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है तो रिमाइंडर क्या आएगा ठीक है पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस 8 हैज अ वेरी स्पेशल रूल इस 8 का एक बहुत ही खास रोल है इस प्रॉब्लम में मेरा सवाल ये है यहाँ पे अगर हमको 8 की जगह और कोई नंबर दे दिया होता यहाँ हमको 8 की जगह अगर कोई नंबर दे दिया होता तो क्या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे मतलब सीधे सवाल में बोले तो क्या ये क्वेश्चन हम हमेशा सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते अगर नहीं कर सकते तो किस किस केस में नहीं कर सकते ठीक है तो आंसर ये है कि यहाँ पे अगर 8 की जगह हम 10 दे दें या 20 दे दें या 50 दे दें उस केस में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता उस केस में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता आंसर विल बी डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर विल बी डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइंड और सीएनबी ठीक है ये क्वेश्चन हर एक केस के लिए सॉल्व नहीं किया जा सकता ये क्वेश्चन किस केस के लिए सॉल्व किया जा सकता है ये क्वेश्चन उन सारे केस के लिए सॉल्व किया जा सकता है जो इनिशियल डिवाइजर का कोई फैक्टर जैसे 8 जो है 56 का एक फैक्टर है 8 56 का फैक्टर है 8 into 7 56 हो जाता है 8 into 7 56 हो जाता है तो 8 के लिए सॉल्व कर सकते हैं 4 के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 4 भी 56 का एक फैक्टर है ठीक है और भी इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं सारे नंबर्स के लिए जो 56 का फैक्टर हो फॉर एग्जांपल 28 के लिए हाँ बिल्कुल कर सकते हैं 28 into 2 56 होता है कर सकते हैं 8 कर सकते हैं 7 के लिए यहाँ पे 7 लिख दें हाँ सॉल्व कर सकते हैं लेकिन 10 के लिए नहीं कर सकते 10 56 का फैक्टर नहीं है 10 के लिए 56 का भी नहीं आएगा 20 के लिए नहीं कर सकते 15 के लिए नहीं कर सकते इन सारे नंबर्स के लिए नहीं कर सकते हम क्या कर सकते हैं उन सारे नंबर्स के लिए कर सकते हैं व्हिच आर फैक्टर्स ऑफ द इनिशियल डिवाइजर सिर्फ उन सारे नंबर्स के लिए कर सकते हैं जो पहले डिवाइजर का फैक्टर्स है तो 56 इसका एक फैक्टर है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं आंसर क्या होगा जस्ट 29 को 8 से डिवाइड कर देंगे आंसर विल बी 29 डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर विल बी 5 रिमाइंडर विल बी 5 सॉल्यूशन बहुत आसान है लेकिन समझने के लिए ये जरूरी है कि क्या क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते
पहले लोग ये समझें कि अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कोई भी नंबर दे दे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर 10 दे दे, 20 दे दे, 15 दे दे, 26 दे दे, उस केस में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम सिर्फ उस केस के लिए सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे जो डिवाइजर हमको दिया है वो इनिशियल डिवाइजर का कोई फैक्टर हो। अगर फैक्टर दिया है तो सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? 29 डिवाइडेड बाय दैट डिवाइजर, 29 डिवाइडेड बाय 8 विल बी 5। थैंक यू फ्रेंड्स।